good morning cluster student You see, this is our science period and we will read our chapter number 10 our food let us start and pick out your science book reading with me all living organism need food to live food gives us energy and make us strong it build the body and help us grow it regulate the activities of the body and we work study and play रिपेयर द बॉडी पार्ट इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट डिसीज एंड वी इंजॉय गुड हेल्थ ओके इट मीन्स अगेन जितनी भी लिविंग थिंग्स है उन सबको जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए भोजन ये मतलब तो फूड गिव्स एस एनर्जी फूड हमको एनर्जी देता है और हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है किसमें ग्रो करने में बॉडी को बनाने में और ये हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है जस्ट लाइक हम कोई भी वर्क करते हैं स्टडी करते हैं या प्ले करते हैं तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है एनर्जी से हमारी बॉडी जो होती है वो इस वर्क को करने के लिए रेगुलेट होती है एक्टिविटी को अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे हमारी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाएगी आप लोग भी लंच ब्रेक करते हो जब आप फूड पीरियड पढ़ लेते हो तो आपकी एनर्जी डाउन होने लगती है और साथ साथ हम लोगों की भी तो फिर जस्ट हम लोगों को लंच ब्रेक मिलता है जैसे हम फूड खाते हैं जैसे हम फूड को लेते हैं तो हमारी एनर्जी ग्रो हो जाती है और हम फिर से फ्रेश हो जाते हैं और फिर से हम लोग बोलने लगते हैं यस <coughs> yes. और हमारा जो फूड है वो हमको हेल्प करता है कि हमारी हमको बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और हम लोग अपने फूड को इन्जॉय करते हैं जस्ट लाइक अभी आपका जो विंटर सीजन है तो बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में वेजिटेबल्स आ रही है आप सभी को इंजॉय कीजिए ताकि आपको उनसे पावर मिले डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फूड भी डिफरेंट काइंड होते हैं लेट्स सी हम लोग जानते हैं वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हम लोग सभी अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं खाते हैं ना वेरी गुड एवरी टाइप ऑफ फूड कंटेंट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स काल न्यूट्रिशन जितने भी भोजन हैं उसमें अलग अलग तरह के कंटेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूट्रीशन्स दे आर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स मिलरल सॉल्ट विटमिनस एंड वाटर आर बॉडी नीड दिस न्यूट्रिशंस वेरी मच हमारी बॉडी को इन सब की बहुत ज़रूरत है अगर किसी भी चीज़ की एक की भी चीज़ की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमको कोई ना कोई डिसीज़ हो जाती है द राइट टाइप ऑफ फूड कंटेंट्स दिस न्यूट्रीशन इट राइट प्रपोर्शन एंड द गुड हेल्थ द फूड कैन बी ग्रोप एज फॉलो तो हमारी कौन से फूड है कौन से थ्री टाइप फूड है एनर्जी गिविंग फूड जो हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स से मिलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमें प्रोटीन से मिलते हैं और प्रोटेक्टिव फूड जो हमें मिलरन्स और विटमिन से मिलते हैं अब हमारा एनर्जी गिविंग फूड यानी एनर्जी लेने के लिए हमको क्या क्या खाना चाहिए फूड कंटेंस कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है वो एनर्जी गिविंग होते हैं शुगर एंड स्टार्च आर द रिच इन कार्बोहाइड्रेट शुगर और स्टार्च में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है द अस हीट ये हमको हीट देते हैं और एनर्जी देते हैं शुगर इज प्रेजेंट इन ऑल द फ्रूट शुगर सभी में रहती है फ्रूट्स में रहती है हनी में रहती है बीट रूट्स एंड शुगर कैन में क्योंकि सारे के सारे मीठे होते हैं स्टार्च एंड प्रेजेंट इन राइस और स्टार्ट किसमें होता है राइस में होता है व्हीट में होता है, है पैटेटो स्वीट पटेटो टॉपिका एंड यावा दीज आर एनर्जी गिविंग फूड और ये सारे किसान है एनर्जी गिविंग फूड है फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट फैट्स से हमको ज्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा और ये कहाँ मिल पाए जाएंगे हमको ऑयल सीड लाइक कैशोनट ग्राउंड नट कोकोनट वनस्पति घी एक्स मिल्क बटर हाफ फैट इन दैम इन सब में फ़ैट पाया जाता है लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी आप खाना खाते हो तो बैलेंस डाइट में ही खाना है ज़्यादा भी हम लोग को नुकसान कर देता है दीज आर एनर्जी गिविंग फूड ये सारे के सारे एनर्जी गिविंग फूड है बॉडी बिल्डिंग फिट फूड इट मीन्स हमको बॉडी बिल्डिंग बनानी है तो हमको प्रोटीन्स ज़्यादा लेना पड़ता है फूड प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड जिसमें होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं प्रोटीन टू ग्रो प्रोटीन हमारे ग्रो करने में मदद करता है वी नीड प्रोटीन फॉर बिल्डिंग बॉडी बॉडी बनाने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत है प्रोटीन रिपेयर द बॉडी टिश्यूज हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो अगर डैमेज होते हैं तो प्रोटीन हमारी हेल्प करता है उसको रिपेयर करने में बेबीज एंड द यंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन दैन अडल्टी छोटे बच्चे और यंग चिल्ड्रन जस्ट लाइक आप जैसे लोगों को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है मीट फिश एग मिल्क दाल सिलीस पीस एंड मिल्क आर द रिच प्रोटीन ये जितनी भी चीजें हैं इन सब में प्रोटीन अच्छा खासा पाया जाता है आपको ये सब खाना चाहिए दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटेक्टिव फूड यानी कि जो हमारी रक्षा करते हैं हमें बचाते हैं बीमारियों से वो कौन से खेल कहलाते हैं प्रोटेक्टिव फूड फूड रिच इन विटमिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड दे फाइट अगेंस्ट डिसीज दे कीप आर स्किन हेल्दी एंड इम्प्रूव आर आइटसाइट ये हमारी आइट को भी अच्छा रखते हैं हमारी हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं दे हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट डिसीज ये हमारी बीमारियों से लड़ने में हमको हेल्प करते हैं मिल्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल फ्रेश फूड एंड द लाइक बनाना ऑरेंज गवाबा एंड वेजिटेबल लाइक कैरेट बीट बीटरूट लेडी फिंगर आर द रिच इन विटामिन एंड मिलटेन सॉल्ट ये जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं ये आपको खाना चाहिए इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन और मिलटेंस रहता है जो हमारी आइट साइट को भी हमारा अच्छा रखता है अगर जिसकी आइट साइट वीक है तो उसको अभी सीजन है आपका कैरेट का उसको डेली आपको खाना चाहिए बीट रूट्स भी अभी बहुत आ रहे हैं वो भी आप खाइए रेंज गवावा है या पे आप लोग सब खाइए अब है वाटर वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है थ्रू वाटर डज नॉट कंटेन एनी कार्बोहाइड्रेट व वाटर में कोई भी कार्बोहाइड्रेट का फैट नहीं रहता प्रोटीन विटमिनस भी रहता इट नीड फॉर ऑल द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी इसका काम एक नॉर्मल एक्टिविटी है इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड ये हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल द टिश्यू ऑफ बॉडी वाटर हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू में है इवन ब्लड कंटेन वाटर इन यहाँ तक कि हमारे ब्लड में भी वाटर है वाटर हेल्प इन द मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर वाटर से हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है इट हेल्प रिपेयर द ब्ली बिल्ड बॉडी टिश्यूज और ये हमारे बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने में और बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है वी शुड टेक द इनफ वाटर हमसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए वाटर कैन बी टेक इन द फॉर्म ऑफ मिल्क टी कॉफी और फ्रूट जूस वाटर किसी में भी हो सकता है मिल्क में भी होता है टी में भी होता है कॉफी में और जूस में भी में भी पानी पाया जाता है तो हमें वाटर like होता है, है. इसलिए हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन ना हो तो हम लोग गर्मी में ज्यादा से ज्यादा वॉटरमेलन खाते हैं वॉटरमेलन तो सभी को पसंद होगा लाइक वाटरमेलन कॉन्सट्रेट एंड द रफवेज द फूड विच वी ईट इन टू काइंड जो खाना हम खाते हैं वो टू टाइप का होता है दे आर कॉन्सट्रेट एंड द रफवेज कॉन्ट्रेट कंटेंट फैक्ट जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं इसमें क्या रहता है फैट कार्बोहाइड्रेट मिलजन एंड विटामिन कॉन्सेंट्रेट्स आर ईजली डाइजेस्टेबल ये जो भोजन होते हैं ये बहुत ही हमारे जल्दी से हमको डाइजेस्ट हो जाते हैं इट इज़ नॉट इनफ टू एट कॉन्सेंट्रेट अलोन कि केवल हम इसी को नहीं खाना है हमें और भी चीज़ें खानी हैं अब फूड शुड कंटेंट द फाइबर्स फूड हमारे हमें अपने भोजन में फाइबर फूड भी लेने चाहिए जैसे कि कैरेट हो गया रेडिश हो गया कोर्स ग्रेन हो गए यानी मोटा अनाज एंड द लीफी वेजिटेबल दिस प्रोवाइड बल्क टू फूड दिस थिंग्स कॉल्ड रफेज इसी को हम रफेज कहते हैं वी नीड रफेज एज वेल एज टू फील टू कीप डाइजेस्टिव कीगन इन गुड वर्किंग कंडीशन रफेज से खाने से हमारे जो डाइजेशन ऑर्गन है वो भी फिट रहता है रफेज हेल्पन इन द बाउल मूवमेंट कुकिंग द फूड अब खाना हमको कैसे खाना चाहिए खाने का भी अलग अलग तरीके का बनता है कोई फ्राइंग करता है कोई रोस्टिंग करता है कोई स्टीमिंग करता है कोई बॉइलिंग करता है तो हमारे खाने के वेज हैं कि इस इस तरीके खाने हम इस तरह से हम अपना भोजन बनाते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वी ईट मोस्ट ऑफ फूड आफ्टर कुकिंग हम लोग सभी खाना कुकिंग करने के बाद ही खाते हैं कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ईजिली डाइजेस्टेबल कुकिंग कुकिंग <coughs> जो है खाने को बहुत सॉफ्ट बना देता है उसको हम इजी वे में डाइजेस्ट कर सकते हैं कुकिंग ऐड ए प्लीजेंट स्मेल टू आर फूड एंड मेक द फूड टेस्टी है खाना खाने से यानी उसमें कुछ भी जो इंटीग्रेट डालते हैं उसे बहुत अच्छी खुशबू आती है और हमारा खाना बहुत टेस्टी बन जाता है इन इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड फूड इंक्रीज, आवर एपिटाइट, और पका हुआ जो खाना है जिसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है तो हमारी उससे भूख भी बढ़ जाती है कुकिंग हेल्प टू किल द डिस जम्स कुकिंग करने से भोजन में जो जम्स होते हैं वो मर जाते हैं एंड डेट आर प्रेजेंट इन ड्रॉप फूड जो हमारे कच्चे खाने में रहते हैं डेट अवॉइड द मैनी डिस और उससे हम कई बीमारियों से बच जाते हैं दीज आर डिफरेंट वे टू कुकिंग लाइक बॉयलिंग फ्राइंग रोस्टिंग स्टीमिंग एंड बेकिंग ओके तो कई तरह के हैं जस्ट लाइक ये बॉयलिंग है ना कई लोग वेजिटेबल्स को बॉयल करके खाते हैं फ्राई जैसे पूरी वगैरह आप फ्राई करते हो चिप्स वगैरह फ्राई करते हो रोस्टिंग करते हो स्टीमिंग करते हो स्टीमिंग जैसे आप इडली बनाते हो ढोगला बनाते हो बेकिंग करते हो जैसे केक बनाते हो आप <coughs> डोंट अब हमको जब हम खाना जब बनाते हो तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए डोंट ओवर कुक और कुक एट हाई टेम्परेचर उसको ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए और हाई टेम्परेचर पे भी नहीं पकाना चाहिए डोंट कुक विथ टू मच ऑफ वाटर और ज़्यादा पानी के साथ भी उसको नहीं पकाना चाहिए वी लूज द विटमिन बाय दट दिस टाइप ऑफ कुकिंग अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हम उस भोजन के सारे जो विटामिन हैं उसको हम खो देते हैं रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कच्चे वेजिटेबल और फ्रूट्स सभी को खाने चाहिए जो खाने के लायक होते हैं जस्ट लाइक है कैरेट आप कच्चा खा सकते हो कैबेज खा सकते हो आप सैलड बना के फ्रूट्स तो ऑलरेडी आप लोग खा सकते हो है ना वी ईट फ्रूट नट्स एंड सम वेजिटेबल रो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं रो नट्स खाते और कुछ वेजिटेबल्स भी सम वेजिटेबल्स विच कैन बी ईट रो आर कैरेट्स कुकुम्बर टमाटोज ऑनियन्स एंड कैबेज दीज कैन बी कुड एनीट इनको हम पका के भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं रो वेजिटेबल कंटेन मैनी विटामिन रो वेजिटेबल में बहुत सारी विटामिन होती हैं सैलड ऑफ दीज रो वेजिटेबल्स आर रियली टेस्टी और इनका जो सैलड बनता है वो बहुत ही टेस्टी होता है चिल्ड्रेन शुड लर्न टू ईट कैरट्स एंड द कोकम्बर रॉ टू गैट द मैक्सीम विटाम बच्चों आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैरेट और कुकुम्बर खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विटमिन होता है और आपके लिए बहुत जरूरी है मोस्ट ऑफ फ्रूट्स कैन बी इट टेक एज रॉ फूड और कुछ जो फ्रूट है उनको भी हम कच्चा खाते हैं मोस्टली कच्चा ही खाते हैं सम फ्रूट्स आर टेकन अलॉन्ग विद देयर स्किन एंड द सम आफ्टर पीलिंग देयर स्किन कुछ को तो हम ऐसे ही खा लेते हैं और कुछ का हम छिलका कहते हैं। खाते हैं। जैसे कि बनाना हो गया तो बनाना को तो हम पीलिंग करके ही ना खाएंगे ऑलवेज वॉश द फ्रूट एंड वेजिटेबल इन क्लीन वाटर बिफोर कटिंग एंड द पीलिंग द स्किन टू अवॉइड लॉस द प्रोटेक्टिव सबस्टेंस हैं कि आपको कभी भी फ्रूट हो या वेजिटेबल हो तो हमें उसे क्लीन वाटर से वॉश करके काटना चाहिए या उसका छिलका उतारना चाहिए कट फ्रूट शुड बी ईटेड इमिडिएटली कोई भी कटा हुआ फ्रूट हो तो उसे तुरंत खा लेना चाहिए इमिडिएटली दे शुड नॉट बी लेफ्ट इन द पैन टू लॉन्ग अदरवाइज दे मे बी अटैक्ट बाय द फ्लाइज एंड जर्म्स और उनको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए नहीं तो आपके जो फ्लाइज हैं और जम्स हैं वो उस पर अटैक कर देंगे ईट ओनली फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स और आपको कहाँ क्या खाना चाहिए ओनली फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आपको खाने चाहिए तो कल से कोई भी आपका ड्रामा नहीं चलेगा सारे वेजिटेबल्स आपको खाने हैं अंडरस्टैंड सारा सब लोग पटेटो पटेटो एवरी टाइम ऐसा नहीं लेट सी एक्सरसाइज यू हैव टू फील योर बाय सेल्फ नेम द थ्री मेजर ग्रुप ऑफ फूड तो मेजर ग्रुप फूड में बेटा आप देखो जो हमारा एनर्जी गिविंग था बॉडी बिल्डिंग फूड है और प्रोटेक्टिव फूड है ये आप लिखोगे उसके बाद थ्री एनर्जी गिविंग फूड है वो आप अपना चेकआउट करके इसको लिखना <coughs> फिर है थ्री बॉडी बिल्डिंग फूड ये भी बहुत इजी है आपको मिल जाएगा आप लिखेंगे विच वन ऑफ फॉलोइंग एन एनर्जी गिविंग फूड इसमें से एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है कार्बोहाइड्रेट फूड सच एज एंड कॉल्ड फूड रॉ वेजिटेबल्स कंटेंट सोल्ट फ्लिनने से करोगे मैथशीट भी अपने से करोगे क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू पी डीएफ ओके बेटा बाय और टू थ्री टाइम बेटा अच्छे से रीड करना है बाय बाय बच्चा 吧。<Bye. S 2> <laughs>